उत्तराखंड की गौली नदी में खनन तस्कर योजनाबद्ध तरीके से पिछले कई दिनों से अवैध खनन कर रहे हैं। अवैध खनन के बाद माफिया के लोग चोर रास्ते से ट्रैक्टर व डंपर निकाल ले जाते हैं और प्रशासन को इसकी भनक तक नहीं लगती। ग्रामीणों की सूचना पर अब वन अमले ने अवैध खनन को रोकने की कोशिश की है। लालकुआ की गोलाम नदी में श्रीलंका टापू के निवासियों के लिए खोले गए रास्ते से खनन माफिया अवैध खनन कर चोर रास्तों से गायब हो जाता है और प्रशासन को अवैध खनन की भनक तक नहीं लगती। ग्रामीणों की सूचना पर वन विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए बिंदु खत्ता के तमाम क्षेत्रों में छापेमारी की, जिसमें आधा दर्जन वाहनों से अवैध खनन होने की जानकारी मिली, जिसके बाद वाहनों की निकासी अनिश्चित काल के लिए रोक दी गई और उक्त रास्ते को बंद कर दिया गया। कुमाऊं की लाइफलाइन कही जाने वाली नदी खुरियाखत्ता स्थित वन देवी मंदिर के समीप श्रीलंका टापू के ग्रामीणों की आवाजाही के लिए बनाए गए संपर्क मार्ग से गौला नदी में खनन तस्कर ने योजनाबद्ध तरीके से अवैध खनन कर रहा है। जब तक यहां वन विभाग के कर्मचारी पहुंचते तब तक उक्त अवैध खनन करने वाले वाहन सहित चोर रास्ते से गायब हो जाते हैं। अवैध खनन की सूचना बिंदुखत्ता शांतिपुरी तटीय इलाकों में जो खेतों से या अवैध चोर रास्तों से जाने की सूचना मिली थी। हमने अपने स्टाफ को भेजा है और वो जहाँ जहाँ रास्ते नहीं बना रखे उसको मशीन जैसी से खाई उधार किया जाएगा, रास्ते बंद किए जाएंगे और जिनके हमको नंबर मिले हैं कि ये ट्रैक्टर पर हैं तो उनकी हम निकासी बंद करेंगे और ये रजिस्ट्रेशन पंजीकरण को निरस्त करने की कार्रवाई करेंगे और कतई स्वीकार ही नहीं है अवैध खनन। फिर हमारा स्टाफ जो है अभी निर्वाचन लोकसभा चुनाव में भी ड्यूटी लगी है तो मैनेज करते हुए दोनों कामों को किया जा रहा है। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।